तो दोस्तों आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से प्लेनेरिया में पुनर्जनन का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहाँ आपको पहले 6-8 टाइम यू लेटर लिखना होगा। इधर आप यू लेटर लिखेंगे इस तरह, फिर एक यू लेटर आप यहाँ पे लिखिएगा, एक यू लेटर आप इधर ऐसे लिख देंगे, 1-1 नंबर लिखिएगा, 3 नंबर लिखेंगे। इस तरह आप यू लेटर और नंबर को लिख दीजिएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमें ऊपर के साइड में इस यू लेटर से इसको हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे, इधर भी आप ऐसे अंदर की तरफ बढ़ा दीजिएगा, फिर एक छोटा सा हाफ सर्किल, इधर भी हाफ सर्किल बनाइएगा, इसको ऊपर की तरफ हाफ सर्किल बनाते हुए यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, छोटा सा आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, इसकी हेल्प से आई बन जाएगा, और नीचे की साइड में एक यू लेटर ऐसे आप लिख दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो प्लेन एरिया है ये 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा और ये फिर से पुनर्जनन यानी कि इसका जीवन फिर से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम इसको अंदर की तरफ करेंगे, पहले इस प्लेन एरिया को हम 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर मिलाइएगा, एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये बीच वाला हिस्सा हो जाएगा, ये नीचे वाला और ऊपर का हिस्सा यहाँ पर आप बना दीजिएगा, इसको हम मिलाएंगे, यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ करिएगा, छोटा सा हाफ सर्किल ऊपर की तरफ बढ़ाइए और आप आई बना दीजिएगा। अब आपको देखिए, ध्यान से देखना होगा, पहले हम ये वाला हिस्सा बनाते हैं, यहाँ से पुनर्जनन होगा, एक इधर लाइन ड्रॉ करिएगा, हल्का सा अंदर की तरफ बढ़ाएंगे हम, छोटा सा हाफ सर्किल और ऊपर की तरफ यहाँ पर मिला दीजिएगा, छोटा सा पॉइंट लगा देंगे। अभी हम कलर करना भी आपको सिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। दोस्तों यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ये करिएगा, यहाँ पर मिलाइएगा, हल्का सा हम अंदर की तरफ करेंगे, यहाँ से छोटा सा हाफ सर्किल ऊपर की तरफ बढ़ाइए, छोटा सा पॉइंट लगा दीजिएगा, इधर से एक लाइन ड्रॉ करिएगा, इसको भी हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए हाफ सर्किल बनाइएगा, ऊपर की तरफ मिलाएंगे, एक छोटा सा पॉइंट लगा देंगे। आपको यहाँ पर एरो भी बनाना होगा, ये हमारा एक टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है यानी कि ये वाला 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, फिर आपका ये बनेगा, फिर यहाँ से बीच वाले हिस्से से इसका पुनर्जनन होगा और ये लास्ट वाले हिस्से से ये नीचे वाला इसका पुनर्जनन हो जाएगा। अब देखिएगा, लास्ट में हम इसको पूरा यहाँ पर बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको आसानी से बना लेते हैं और कलर भी करना हम सीख लेते हैं।